20/100 इक्वल्स टू वी, सो 0.2 आ जाएगा, v आ जाएगा -0.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि ये लोग जो है वो इंटेंगल्ड होने के बाद इधर मूव करेगा, और इधर मूव करना भी चाहिए क्योंकि टॉम का जो मोमेंटम है वो क्रिश के मोमेंटम से ज्यादा था ना। टॉम का मोमेंटम है 180, क्रिश का मोमेंटम है 160, इसका मोमेंटम ज्यादा है। जब ये दोनों टकराएगा, इंटेंगल्ड होगा, तो इधर मूव कर लेगा, इसीलिए आंसर आपका नेगेटिव में भी आ रहा है। क्लियर, इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि क्रिकेट बॉल है जिसका मास है 150 ग्राम, ठीक है, वो 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। उसको बैट से हिट किया गया, वो बैक टर्न हो गया और 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर लेगा, और जो ब्लो है मतलब बैट ने जो बॉल को मारा तो उसमें जो ब्लो हुआ, जो फोर्स लगा, वो 0.001 सेकंड के लिए ही लगा, तो हमें उस फोर्स को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, होता है ना, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब हमें क्या करना है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो हमें पहले बॉल में होने वाले चेंज इन लीनियर मोमेंटम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो 150 ग्राम है, इसको केजी में कर लेते हैं, 150/1000 और 12, ठीक है। तो 9/5 आ जाएगा, 9/5 का मतलब होता है 1.8 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वो बॉल मान लेते हैं कि ऐसे जा रहा था, इसका मोमेंटम को पॉजिटिव ले लिए, जब बैट ने उसे हिट किया तो बोल रहा है देखिए टर्न बैक, वापस आ गया, तो मोमेंटम इसका ऑपोजिट हो जा रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, तो अब जो मोमेंटम आएगा वो माइनस में आएगा। मास तो उतना ही रहा 150/1000, लेकिन वेलोसिटी हो गया 20, है ना, 20, तो अब जो मोमेंटम है वो हो गया -3 kg/s। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -3 इज द फाइनल और इनिशियल है 1.8, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया आपका कितना, -4.8 kg/s ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। हम लोग जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो इंपल्स के इक्वल होता है, तो चेंज इन मोमेंटम आपका हो जाएगा -4.8 = इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम इंटरवल भी होता है, तो -4.8 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप 4.8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंपल्स में कितना इंपल्स दिया गया उसमें साइन का मैटर नहीं करता, कितना इंपल्स दिया गया सिर्फ वैल्यू का मैटर करता है। तो 4.8 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से, दैट इज 0.001, इससे हमारा फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो 48 × 10⁻¹ हो जाएगा, 1 × 10⁻³ हो जाएगा, तो 48 kN का फोर्स लग रहा है, आ गया, सॉरी 48 नहीं होगा, ऊपर जाएगा तो 1, 2, 2 बचेगा, 4800 N होगा, 4800 N का फोर्स लग रहा है, करेक्ट, क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से ये बनेगा, और जब भी चेंज निकालिएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इन 5 क्वेश्चंस को आप बनाइए, हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में, ठीक है, इंपल्स के और थोड़े से कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे, थोड़े से और जिसमें इन्फॉर्मेशन कम रहे और हमें इसको कैलकुलेट करना रहे, या कहीं पर और कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के यूज़ करके निकालना पड़े, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके निकालना पड़े, बट मेरा हमेशा मानना है एक बार आपका बेसिक ठीक हो जाता है तो जो थोड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो हम लोग और इजिली समझ सकते हैं। तो और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, पहले 5 प्रॉब्लम्स को आप लोग ठीक से समझ लें, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। एंड जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे और हमारे रीच को धीरे धीरे और बढ़ाएं ताकि हम लोग ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाए, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।